ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमें अनेक स्वमान दिए हैं। स्वमान वो मान है जो स्वयं भगवान ने हमें हमारी स्मृतियां दिलाकर हमें स्वरूप बनने के लिए कहा है। स्वमान वाली आत्मा सदा निर्माण होती है, अभिमान से मुक्त होती है, सबको मान देने वाली होती है, हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप से सच्चे दिल से मान देना ये स्वमानधारी ही कर सकता है। स्वमान वाली आत्मा सदा दान देने वाली, भले कोई अवगुण वाला भी क्यों ना हो, उसे गुणवान बनाने का पुरुषार्थ करेगी। जितना बड़ा स्वमान उतना ही निर्माण। संगम युग पर भगवान ने स्वयं अनेक स्वमानों की माला हम सबको पहनाई है। स्वमान वाली आत्मा अपने लिए कभी भी किसी से भी मान नहीं मांगेगी, बल्कि देने वाली दाता होगी। आज हम स्वमान की माला में एक ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा कमल आसन धारी हूं, अपने आप को भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर कमल आसनधारी स्थिति में देखें। जैसे आपने चित्रों में कमल आसन पर देवियों को विराजमान देखा है, देवताओं को विराजमान देखा है, आज अपने स्वरूप को विजुअलाइज करें। तीसरे नेत्र से अपने आप को उस कमल आसन पर बैठा हुआ तपस्वी अनुभव करें। इस कमल आसन पर बैठकर चिंतन करें, मैं भी इस पुष्प के समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूं, देह में होते देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। जैसे कि मैं प्रकाश, मैं बिंदु इस शरीर को चला रहा हूं,
इस देह में मैं मेहमान हूं। दुनिया में भी मेहमान हूं। मैं अवतरित हुआ हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। देह में अवतरित हुए, कार्य किया और डिटैच हो गए। महसूस करें, मूल वतन से बहुत दूर देश से मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं। जगमग जगमग करता सितारा परम धाम छोड़कर इस साकार दुनिया में शरीर में विराजमान हो जाता हूं। शरीर के द्वारा कर्म किया, फिर पुनः उस मूल वतन में, आत्माओं के देश में, अभी अभी साकारी मस्तक सिंहासन पर, अभी अभी निराकारी कुछ सेकंड तक इस न्यारी अवस्था का अभ्यास करें। अभी स्थूल शरीर में भ्रिकुटी में चमकता सितारा, अभी अभी आवाज से परे परम धाम में महाज्योति के सामने निराकारी अवस्था में अभी साकारी, अभी अभी निराकारी ऐसे न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित हो जाए। इस अवस्था में परम सुख है, आनंद है। ये वो एक्सरसाइज है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करती है। बहुत खुशी से, प्यार से अपनी इस न्यारी अवस्था का सुखद अनुभव करें। कमल आसनधारी आत्मा हूं। देह से न्यारी होकर अब मैं जा रही हूं परम पिता से मिलन करने। तारों से दूर
इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जो सदा ही न्यारा प्यारा है उसे सब इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे न्यारा है, डिटैच है। ये डिटैचमेंट बहुत बड़ी पावर है। चेक करें, मैं सब तरफ से डिटैच हूं, इस देह से, दुनिया से, सबसे डिटैच होकर अब मैं उस सुप्रीम सोल के सामने हूं जो सदा न्यारा प्यारा है, जो अति मीठा है, प्यारा है। कितना सुंदर है वो, कितना प्यारा है वो। तुम प्यारे ओ बाबा,
शक्तियों का सागर है वो। उस न्यारे प्यारे स्रोत के सामने मैं आत्मा भी सब तरफ से डिटैच हो गई, उसकी अनंत शक्तियों ने मुझे भी सबसे न्यारा कर दिया। बाबा के सानिध्य में आंतरिक सुख अनुभव करें। बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझ में शक्ति का संचार कर रहे हैं। मैं बाबा को देख रही हूं। सचमुच इस प्यार के सागर ने उस न्यारे प्यारे सुप्रीम सोल ने अपनी शक्तियां देकर मुझे न्यारा बनना सिखा दिया। मैं अपने आप को हर बंधन से मुक्त अनुभव कर रही हूं, उलझनों से मुक्त अनुभव कर रही हूं, विघ्नों से भी मुक्त। जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। बाबा को पाकर मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जो प्यार मुझे आपसे मिला, जो शक्तियां मुझे आपसे मिली, मेरा भाग्य का सितारा चमक उठा। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं इस कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहूंगी, कार्य भी करूंगी आपकी याद में, कर्म योगी बनकर। मेरे कर्म भी आपको समर्पित हैं, कर्म का फल भी आपको समर्पित। इस कर्म क्षेत्र पर आप पल पल मेरे साथ हो, हर श्वास में मेरे साथ हो, हर धड़कन में मेरे साथ हो। बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ हैं, हाथों में उसके हाथ हैं, बाबा मेरे साथ हैं। सांझ सवेरे मन में मेरे
सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया दिल का ये कहना है, इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा जग के तुम्हीं सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते, पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा
साथ है। मेरा हर कर्म आपको समर्पित है, मेरा हर कर्म आपके लिए। अब मुझे डिटैच रहकर सब कर्तव्यों को करना है, पर कहीं फंसना नहीं, सरल रहना। बंधनों से मुक्त रहना है। बाबा से इतनी शक्तियां ले कि हम कर्म क्षेत्र पर सब कुछ कर दे, बंधन मुक्त रहे, बाबा के साथ रहे। मैं कमल आसन धारी हूं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। जो न्यारी प्यारी अवस्था में स्थित है वो सबकी अच्छाइयों को देखते हैं, सबसे गुण ग्रहण करते हैं, गुणदाता को भी साथ रखते हैं। सचमुच कमलासनधारी बनकर मैं आत्मा बंधन मुक्त बन गई, गुणग्राही बन गई। सच्चे दिल से अभ्यास करेंगे, जैसे बाबा अच्छा है सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पुष्प समान न्यारा प्यारा बनना सिखाया। आज कर्म क्षेत्र पर हजार भुजाओं वाले बाबा को साथी बनाते हुए हर घंटे में एक बार इस रूहानी ड्रिल का अभ्यास करेंगे। अभी अभी मस्तक सिंहासन पर, अभी अभी मूल वतन में मैं चमकता सितारा, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। आज हर घंटे में एक बार अपने इस चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे और इस स्वमान को रिवाइज करेंगे। मैं आत्मा कमल आसनधारी हूं, परमात्म छत्र छाया के नीचे हूं। कर्तव्य करके कर्तव्य से डिटैच हूं, मेरे कर्म कर्म फल सब सर्वशक्तिवान को समर्पित, सब कुछ सौंपते चले जाएं, सब कुछ उसे सौंप कर
आत्मा हल्केपन का अनुभव करती है, बोझ से मुक्त का अनुभव करती है, अतींद्रिय सुख का अनुभव करती है, बाबा के सानिध्य में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उससे आत्मा आनंदित रहती है, खुशहाल रहती है। आज मुझे पूरा दिन न्यारी प्यारी अवस्था में, खुशहाल स्थिति में रहकर हर कार्य करना है, सच्चे कर्म योगी बनकर कार्य करना है, कर्तापन के भान से मुक्त होकर कार्य करना है। बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, डिटैच हूं, न्यारा प्यारा हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं जिसे स्वयं भगवान सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। मीठे बाबा, आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूंगी। इन सुखद अनुभूतियों को बढ़ाते, संगम युग के सुखों का, आंतरिक सुख बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। ओम शांति।